प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस YouTube चैनल पर। और ये लेक्चर आ रहा है बच्चा जी आपके लिए, ये फिजिक्स का लेक्चर है। और जो हम लोग शुरू किए थे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये उसके लिए समझो कि आज आखिरी लेक्चर है। अगर सिर्फ चैप्टर के पर्पज़ से देखो तो, क्योंकि बच्चे जी कहें ना कहीं हम चैप्टर खत्म करने वाले ख़त्म करने को हैं। जैसे आप देखेंगे सारे टॉपिक आपके आज कवर हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से उसको रिवाइज करके हम थोड़ा समझ उसके जो क्वेश्चन से कुछ होंगे वो कराए जाएंगे आपको। और देख लेते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है बच्चे जी आपके लिए। तो देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया गया है। थोड़े से जूम किया जाए, और इतने दिन वीडियो नहीं आने के लिए और आपका इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पे भरोसा किया है। बिल्कुल भरोसा कीजिएगा बच्चा जी, क्योंकि उसमें हम खड़े उतरेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा दिया गया आपको, ये मैंने बोला था। जरूर बॉक्स में जो भी कुछ दिए गए हैं आप पढ़ते रहिएगा, ये आपकी पढ़ने की जरूर काम है। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे कुछ अच्छे से क्वेश्चन कट सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे, ये आज का टॉपिक ये होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि और ये इंद्रधनुष का बनना, ये शायद मैंने कवर करा दिया था शायद पिछले लेक्चर में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस ये टॉपिक रहेगा अपना, सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद, जो सूर्य का कलर होता है या 2 मिनट का अंतर होता है, ये क्यों ऐसा होता है इसको हम पढ़ेंगे। और परकिरण पढ़ेंगे प्रकाश का, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। और स्वच्छ जब आकाश साफ होता है तो उसका रंग नीला ही क्यों दिखता है, इसको हम आज कवर करेंगे। और ये आखिरी टॉपिक होगा लास्ट का, कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का रंग लाल ही क्यों होता है। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटी है इसको भी किया जाएगा। और ये तो बस इसमें आखिरी पॉइंट है, फिर इसके जो प्रश्न आंसर है इसको देख लीजिएगा, इसको करा दी जाएंगे। कहीं ना कहीं चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी हम शुरू करते हैं लेक्चर को। तो वही हर बार की तरह आपके लिए नोट्स बना लाए गए हैं, और बहुत बेहतरीन नोट्स है। चलिए, आपका ये कम बताएगा बच्चे, इसको नोट्स मेरे साथ बना लीजिएगा, लिखिए, पहले समझेंगे बातें को फिर नोट्स बनाइएगा। और ज़रूर अपने रिलेशन में जो भी आपके दोस्त हैं भाई हैं, जरूर उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। और ये लेक्चर नंबर 3 बच्चे जी हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो पहला अपना टॉपिक है वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन। बिल्कुल इसको लिखना नहीं है, पहले तो आप इन बातों को समझेंगे, हो सकता है इनके बारे में कुछ डायग्राम हो, चित्र हो, जो भी हम इसको बनाते चलेंगे और पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो इसको हम, ये रहा टॉपिक आपका। तो जरूर पहले बच्चे अपने NCERT को जरूर रीड से करने हैं, जो पढ़ेंगे इसको आप, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो, और क्योंकि हम लोग NCERT ही कवर करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि NCERT मतलब गवर्नमेंट बुक है, और सारे बुक ये जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने बोर्ड के एग्जाम हैं, सब NCERT से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो बिल्कुल आपको बहुत बिलीव करना चाहिए, बस अरे बहुत अच्छी बुक है, इसको लोग बदनाम करके रखें कि अच्छी बुक नहीं होती है, सबसे नंबर वन बुक। इसके बाद ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ना है पढ़िए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। नहीं तो भारतीय भवन से पढ़ना होता तो बिल्कुल आपको पढ़ा दिया गया होता कब का। चलिए, तो आप इन टॉपिक को जरूर रीड करेंगे, मैं इसलिए भी तो रीड कीजिए कि रीड करेंगे ना तो आपको पहले तो आपका 80% बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, फिर उसके बाद तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। चलिए, इसको यहाँ तक आपको रीड करना था, उस पेज को और इस पेज को, सर आप कीजिए ना। नहीं बच्चे, हिस्ट्री नहीं है ये, हिंदी नहीं है कि मैं लाइन बाई लाइन पढ़ूँ, ये आपको काम है कि आप पढ़िएगा, नहीं तो फिर साइंस का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। आप पढ़ेंगे डाउट्स बनेगा, आइए ना उस डाउट्स को दूर करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इन टॉपिक को, आपने जरूर से रीड किए होंगे NCERT के, वो जो टर्म मैंने जो आपको दिखाया था, तो कुछ बच्चे को बस ऐसे सिखाते हैं सर हमने भारतीय भवन किन के रखा, हमारे टीचर्स ने भारतीय भवन खरीदवा दिया है, तो बच्चे उन्होंने आपसे गद्दारी किया है। देखिए भाई जी, मेरे पास है सारे बुक्स हैं, मेरे पास लगभग रेफरेंस बुक भी रखे हैं, लेकिन उसको हम सहारा कभी लेते नहीं हैं। चलिए, और ये बच्चे तो आपको पता है कि बस कितने अच्छे नोट्स आपको देते हैं। चलिए पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो अपने NCERT पढ़ा वही टर्म यह भी है कि वायुमंडलीय, पृथ्वी की वायुमंडल, पृथ्वी के जो वायुमंडल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। अभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल बहुत सारे परत हैं, है कि नहीं है, तो विभिन्न ऑप्टिकल घनत्व की वायु परत होती हैं। अब वायु परत हैं, वायु के लेयर्स हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है बच्चा जी, उसके जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। मतलब मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको डायग्राम से ही करूँगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं आपको थोड़ा ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैंने कि हम लोग का ये पृथ्वी है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए वायुमंडल दिख रहा है, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। सब लेयर का मान लीजिए कि अपना अपना क्या होता है बच्चे जी, अपना अपना उनका एक डेंसिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका डेंसिटी, फिर इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी, तो सबसे डेंसिटी इसका ज़्यादा है, फिर इसका घट रहा है, जितने जितने जाएंगे सबका डेंसिटी घटेगा, घटते जा रहे रहे, और लास्ट में जब से आप निर्वात में पहुँचेंगे तो इसका देखिए एन बोले तो हम क्या बोले चाहिए, पर अपर्तनांग, अपर्तनांग एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम का अपर्तनांग क्या होता है, एक होता है। यह ज़्यादा था फिर घट गया, घटा घटा, और घटते घटते आखिरी जब लेयर में जाओगे एक ऐसी स्थिति में जाओगे जहाँ पर वैक्यूम होता है, जहाँ पर निर्वात होता है, उसका अपर्तनांग क्या होता है बच्चे जी, लगभग एक के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा था कि निर्वात वैक्यूम का जो अपर्तनांग होता है लगभग एक के बराबर होता है। चलिए, तो पढ़ा कि उनकी बहुत सारे विभिन्न घनत्व की क्या होती है, वायु परतें होती हैं, उनके कारण उन जो लेयर्स हैं वायुमंडल में, जो लेयर्स हैं, जैसे मान ली मैंने आपको दिखाया कि ये पृथ्वी है, उसमें ये लेयर्स हैं, ये लेयर हैं, बहुत सारे उसमें लेयर हैं, तो उनका जो घनत्व है बच्चा जी वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अब उसको अलग अलग होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जब पृथ्वी के जो हमने फिर से पढ़ा क्या कि वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के, इसको क्वेश्चन में लिखा गया है कि मतलब जो हमने पढ़ा कि पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल में कैसा है, विभिन्न लेयर्स वाले विभिन्न ऑप्टिकल घनत्व की वायु परतें के कारण होने वाले प्रकाश अपवर्तन, उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, लाइट्स का रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे जी, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लिखा गया है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ वर्ड कट रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ साइड करके, अब दिख रहा है बराबर, हाँ क्लियर है, इसको बना लेंगे। और डायग्राम में प्यारे बालक आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, खूबसूरत डायग्राम है, ये रहा देखिए, हो गया ये रहा। अब देखिए बच्चे इसके फायदे भी, इस अपवर्तन से होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई तारा है, यहाँ पर कोई अपने स्टार देखा, तो ये स्टार बच्चे जी हमको वहाँ नहीं दिखता, ये ऐसे ऐसे इसका आया लाइट से आने वाली किरण आई, और जैसे वायुमंडल में आते ऐसे मुड़ जाती है, हमारे पृथ्वी पर तो बहुत मुड़ जाती है, तो हमको कहाँ दिखेगी बच्चे जी, हमको यहाँ दिखेगी, इसके साइड पर नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ दिखेगी, है एक्चुअल में यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ये सबको बात चर्चा करना है, अपने डायग्राम बना लिया, चलिए फिर से दिखा देते हैं, ये रहा। अब सर जी का डायग्राम देख लीजिए, ये रहा भद्दा सा, ठीक है, चलिए ठीक है, अपने कि यहाँ पर अपर्तनांग ज़्यादा है, जैसे जैसे लेयर ऊपर जाएंगे पृथ्वी से दूर जाएंगे, जैसे पृथ्वी कड़ में थे तो अपर्तनांग ज़्यादा था वायुमंडल का, थोड़ा सा दूर गए तो घट गया, थोड़ा सा और दूर गए तो घट गया, और थोड़ा दूर गए ऐसे यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर अपर्तनांग क्या हो गया, एक, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, और निर्वात में प्रकाश का अपर्तनांग क्या होता है जी, लगभग एक के बराबर होता है। चलिए, अब आपसे प्रश्न यही बन जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इतना प्यारा क्वेश्चन है, और इसको बहुत बड़े बड़े लहजों में लोग लिख के याद करते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इजी चीज़ है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके लिए आपको एक टॉपिक जानना पड़ेगा। चलिए, तो पहले आप लिखना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना आपको, चलिए मैं आपको डायग्राम से पहले समझाना चाहता हूँ तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए देखिए प्यार बालक, आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि तारे कैसे, बहुत आपको अच्छा, बिल्कुल जिस चीज़ को रटना पड़ता है बिल्कुल आपको इसलिए आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़े से आपको सब्र करना है और थोड़े समझने की कोशिश करना है, काम हो जाएगा। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर जी ये हमारा ये अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पर कोई हम लोग व्यक्ति हैं, कोई ऑब्जर्वर है, कोई प्रेक्षक है देखने वाला, आप हमको भी इंसान है देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं, यहाँ पर तारा है, तो ये तारा यहाँ दिखता है, यहाँ क्यों है ये तारे, हमको यहाँ तारा है तो यहाँ दिखता क्यों है, और तारे टिमटिमाते हुए क्यों हमको मालूम पड़ते हैं, जब तारे थोड़े से हल्के टिमटिमाते मालूम पड़ते हैं, जब ग्रहण ही टिमटिमाता है ऐसा क्यों, देखिए सब पहले होता क्यों है,
जैसे आपने पढ़ा कि ये पृथ्वी है, हमारे पास क्या है जी वायुमंडलीय पट, हमारे पास क्या है वायुमंडल है, हमारे पास क्या है एटमोसफियर है, और एटमोसफियर में पढ़ा आपने कि विभिन्न थी ऑप्टिकल डेंसिटी वाले लेयर्स हैं, परत हैं बहुत सारे, ठीक है, और सबका देखिए बच्ची सबका डेंसिटी अलग है, तो सबका घनत्व जब अलग अलग है तो सब में अपवर्तन क्या होगा बच्ची जी, अलग अलग होगा, ठीक है। ये सब क्या है कि मान ली यहाँ से स्टार से लाइट आया, ठीक है, जैसे वायुमंडल में आता है बच्ची जी तो ये मुड़ना शुरू करता है, इसका होने लगता है अपवर्तन, मुड़ता है मुड़ता है मुड़ता है, अब मुड़ के मान लीजिए ऐसे मुड़ जाता है तो जहाँ से मुड़ा हमको वहीं दिखेगा, तो हमको यहाँ कुछ दिखने लगता है, और बार अब देखिए एक बार यहाँ दिखा, लेकिन एक बार इसमें नहीं, मैं अपने पढ़ा कि बहुत सारे इसमें वायुमंडलीय धूल कण भी हैं जो बार बार इसका परिवर्तन करते रहते हैं, और कभी हमको यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, बार बार इसका इमेज देखिए रहेगा यहीं पर, एक्चुअल स्टार यहीं पर है, लेकिन इसका पोजिशन में यहाँ पर नहीं बनेगा, बार बार कभी यहाँ बनेगा, कभी थोड़ा इधर उधर बनते रहता है बार बार, तो बार बार इधर उधर बनेगा तो उसका लाइट बार बार हमारे आँखों में इधर उधर आएंगे, तो ऐसा लगता है कि आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से अपने बना के दिखाऊँ तो आपको और मजा आ जाए। बच्चे जी हम लोग रटने वाले नहीं, बिल्कुल साइंस हम लोग पढ़ते हैं प्यार की भावना से, तो आप बिल्कुल गुरुकुल आश्रम के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। कहाँ थे हम लोग, ये टॉपिक ये है, थोड़ा इसको मैं अच्छा कर दूँ, अभी आपको लिखना नहीं है, हाँ राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी हो जाए, अपने से ही लिखा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप समझते हो सर जी की मजबूरी क्या है। चलो सर जी इस पर काम कर रहे हैं बिल्कुल, आपके लिए नोट्स है, मैं अपने राइटिंग सुधार रहा हूँ, बचपन में नहीं सुधार पाया, सर लोग बोलते रह गए गलतियाँ थी, अब क्या करें बच्चा जी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची मैं इतना ज़रूर लिखा हूँ कि मेरे प्यारे बालक ज़रूर पढ़ लेते हैं, कभी आप लोग हमें बुरा भला नहीं बोलते हो, सर ने अपने गंदा लिखा, आप लोगों ने बताया कि सर आप अच्छे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये आपका है टॉपिक, इसको हम समझाने जा रहे हैं, क्लियर है बालक, क्लियर है बालक जी, चलिए चलिए मान लीजिए कि बच्चा जी ये अपना ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये अपना पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला है, वो आसमान में देख रहा है यहाँ पर, जो कि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार है तारा है, अब देखिए आपने पढ़ा कि बहुत सारे इसमें क्या है बच्चे लेयर्स है, और इनके घनत्व क्या है बच्चे जी अलग अलग है, इनकी घनत्व क्या है बच्चे जी अलग अलग है, अब जैसे ये स्टार आता है ना बच्चे जी, और ये बच्चे जी आप ही बताओ ये पृथ्वी हमारी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, सर घूम रही है, हम बच्चे चक्कर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं, देखो बच्चे अगर हमारी पृथ्वी नहीं घूमती ना तो हमारे मान लीजिए कि स्टार एक बार अपवर्तन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर होते होते ऐसे आना चाहिए, आते 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 ऐसे अपवर्तन होके कुछ ऐसा बैंड होकर हमको यहाँ दिखता, तो यहाँ बैंड हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बैंड होते होते यहाँ बैंड हो गया, तो हमको इमेज एक बार स्टार हमको यहाँ दिखता, टिमटिमाता नहीं यहाँ दिखता, लेकिन अब तुम बताओ प्यारे बालक जी हमारा जो एटमोसफेयर थी पृथ्वी है जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है बार बार, पूरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, अब बार बार चक्कर ये जैसे हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगे, तो हमारा वायुमंडल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मान लीजिए अभी वायुमंडल यहाँ था तो अपवर्तन यहाँ हो रहा था, लेकिन हमारा पृथ्वी तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मूव कर रहा है, तो फिर मान लीजिए थोड़ा देर में इसका अपवर्तन, मान लो ये घूम के हम लोग यहाँ आ गए थोड़ा सा, तो मान लीजिए अब हमारा स्टार यहाँ बन रहा होगा, जब जब इसका पोजीशन बदलेगा बच्चे जी, मान लीजिए इसका पोजीशन यहाँ तो यहाँ इमेज बना, फिर इसका ही मैं थोड़ा सा मान लीजिए हमारा पृथ्वी मूव करके यहाँ आ गई, तो इसका इमेज अब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, तो बार बार इधर यहाँ पर, कभी 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 एक ही स्टार का इमेज इधर उधर बनते रहता है, तो बार बार वैसे हमको लगता है हल्के हल्के टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं कि हल्के हल्के टिमटिमा आ रहे हैं, समझ रहे बात मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ प्यार वाले समझ गए, खूब बहुत अच्छा बच्चे, यही इसका मेन पॉइंट है, आप क्या समझें, आपने समझा कि आपका पृथ्वी जो है मूव कर रही है, तो आपका एटमोसफियर जो है बच्चे जी उसका वातावरण का जो लेयर ये तो बिल्कुल बदलते जा रहे हैं हमारा, तो बार बार जब ये वातावरण का डेंसिटी चेंज हो रहा है तो इसका कभी इसका अपवर्तन यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो बार बार हल्का हल्का हमको इधर उधर इमेज दिखता है, तो क्या हमने बचपन से जो स्टार देख रहे हैं बादल में, क्या हम लोग झूठे देख रहे हैं, बिल्कुल बच्चा जी, लेकिन हम लोग बचपन की बातें थी तो उस पर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इसको बात मानते नहीं, आज हम लोग जब इसको साइंस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं, हमारी समझने की भावनाएं बड़ी हो चुकी हैं, तो हमें तकलीफ नहीं है, बिल्कुल इस बात को हम समझ पाते हैं, अब इसको आप लिख लेंगे और इसका हम आपको डायग्राम बनवा देंगे, ठीक है प्यारे बालक जी, हाँ सर आपने समझा क्या, आपका पृथ्वी मूव कर रही है बार बार, ये आपका ये सब लेयर बदल रहा है, ये भी आपके वायुमंडल के भी, ये भी क्या है, ये भी मूव कर रहे हैं, तो बार बार इनका इमेज कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, जब ये बच्चा जी इसको बताइए, जब इसके एक्चुअल ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो इसके अपवर्तन का एंगल चेंज होगा, अब कभी यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बनते रहेगा, समझे, तो एक ही स्टार हमको इधर उधर दिख रहा है तो बार बार हल्का हल्का झलकता हुआ दिखता है वो, चलो आपने समझा, इनको समझने के लिए बनाया गया था, अब इनको थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा पढ़ के भी चलता हूँ कि थोड़ा आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर दें, और एक बार अपने एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये रहा आपका पूरा
बच्चे जी, मैंने एक बच्चे से प्रश्न किया तो बच्चे ने बोला सर हमको तो बहुत बार, उनको देखिए बहुत बार आंसर लिखवा दिया गया था, इनको रटिए, आपका आंसर छोटा होगा और पूरा कंसेप्चुअल होगा जिसमें कंसेप्ट होंगे आपको सिर्फ बस देखिए ना, एक बार यहाँ देखिए ना, यहाँ एक बालक है खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग कहते पृथ्वी खड़े हैं तो पृथ्वी मूव कर रही है, ठीक है, अभी मान लो हम यहाँ पृथ्वी अपनी यहाँ है तो इसके इमेज मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ तारा दिख रहा है, लेकिन अभी बच्चे हमारा पृथ्वी मूव करे तो हम लोग थोड़ा मान लीजिए यहाँ आ गए, हम लोग मान लीजिए स्टार्ट तो वहीं पर है, ये नहीं चक्कर है, हम लोग घूम रहे हैं बच्चे, तो हमारा क्या है बच्चे जी, फिर इसका वायुमंडल का लेयर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, अब मान लीजिए यहाँ बना था, अब स्टार्ट यहाँ बनेगा, तो कभी लाइट यहाँ पर आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, फिर मान लीजिए कभी कभी लाइट यहाँ बन गया, स्टार्ट यहाँ बन गया तो इसका लाइट इधर आएगा, तो बार बार उसकी लाइट जो आ रही है अपने आँखों में इधर उधर से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, तो कोई भी चीज़ इधर उधर से आएगा लाइट समय आपको टिमटिमाता नहीं मालूम चलेगा, बिल्कुल मालूम चलेगा, कभी अपने आपको मैं रोशनी मारूँ, कभी इधर से मारूँ, कभी यहाँ से मारूँ, तब भूख दिखेगा, तो बिल्कुल भूख आ रहे हैं जी, टिमटिम आ रहे हैं तारे, आपको इनको यहाँ से यहाँ तक रीड करने हैं, बिल्कुल रीड करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू नहीं छूटेंगे प्यारे बालक जी, बहुत एमसीक्यू जमता है, छोटा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, लेकिन मैं हर चैप्टर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का आदत इसलिए लगाता हूँ कि तुम मेरे प्यारे बालक भविष्य के तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो यही एनसीईआरटी आपको वहाँ पर लेके जाएगी और आपको ये पढ़ने वाले लक्षण नहीं लेके जाएंगे। मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ, इधर का गया, चलिए आपको क्या क्या लिखना है मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद लिखिएगा साथ में, पढ़ लेते हैं मिलकर दोनों आदमी। किसी तारे का टिमटिमाना, तारे का आपका इसका मैंने आंसर क्या है, किसी तारे का टिमटिमाना तारे के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो तारा है जो वायुमंडल में पड़े हैं उनके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, बार बार वायुमंडलीय अपवर्तन बच्चे चेंज हो रहा है, तो जब जब वायुमंडलीय अपवर्तन चेंज होगा तो उनका टिमटिमाना, ये मुख्य कारण यही है। मेन आंसर क्या है, जब भी एमसीक्यू पूछा जाए तारे के हम टिमटिमाते हैं तो एक लाइन बताना पड़े तो सिर्फ कह दीजिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन कारण होता है, क्यों, क्योंकि दूर के तारा बच्चे जी बहुत, तारा बहुत दूर है, तारे हमसे बच्चे बहुत दूर है, बहुत दूर है, सूर्य से, सूर्य और चांद तो बहुत नज़दीक में है, ये इसलिए तारा हमसे बहुत दूर है, इतना दूर है बच्चे जी कि उसको मान लीजिए प्रकाश बिंदु का स्रोत होता है, प्रकाश बिंदु तरह कार्य करता है, जैसे लगता है ना लाइट छोटा सा बिंदु है, उसका जो लाइट आते हैं छोटे से बिंदु की तरह कार्य करता है, प्रकाश बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है, जैसे जैसे तारे का प्रकाश की किरण अपने पथ से भटकती है, बार बार उधर से आती है तो भटकते रहती है, क्या भटकती है बच्चे जी, उनका होता है वहाँ पर रिफ्रेक्शन होता है, समझिए आप, जो भी लाइट आता है तारे से हमारे आँखों तक उनका होता है बच्चे जी क्या, रिफ्रेक्शन, बार बार भटकने लगते हैं, अब बिंदु इतने दूर है कि वो बिंदु के स्रोत जैसे माना जाता है उनको, तारे की सतह स्पष्ट यानी, और बच्चे जी देखिए जो तारा का जो मान तारा यहाँ है, मान लीजिए कि स्टार यहाँ है और उसकी इमेज हमको यहाँ दिख रहा है, तो इस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे जी हम अपेरेंट पोजीशन, क्या बोलते हैं बच्चे जी इसको, अपेरेंट पोजीशन, तो उसकी अपेरेंट पोजीशन हमको स्पष्ट दूर दिखती है और उसकी अपेरेंट पोजीशन में बदलते रहती है, बार बार बदलती है, ये मेन पॉइंट इसका आंसर है। कभी आपको बोले कोई सर एक लाइन बताओ तो पहले क्या कहिएगा, तारे का टिमटिमाना बना वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है, दूसरा बताइएगा कि जब उनकी किरण आती है बच्चे तो अपने पथ से भटकती है, भटकती है इससे क्या होता है, बार बार उनके अपेरेंट पोजीशन बदलती है, ये मेन पॉइंट है, उनके अपेरेंट पोजीशन बार बार चेंज होता है जिसके कारण उनकी भौतिक यानी फिजिकल कंडीशन स्थिर नहीं रहती है, वो एक जगह नहीं है, बार बार उनका अपेरेंट पोजीशन बदल रहा है, तो कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, यहाँ पर तारे हमको बार बार दिख रहे हैं, इसीलिए हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कम बेसी आता है, कभी इधर से आता है कभी इधर से आता है, उतार चढ़ाव होता है, यहाँ से आते हैं उतार चढ़ाव होता है, कम बेसी आता है और कभी देर कभी तभी कभी तेज आता है, कभी थोड़ा मंद आता है, कभी तेज कभी मंद आता है, तारे के टिमटिमाने का प्रभाव यही है, यही ट्विंकलिंग इफेक्ट्स है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे, हम यहाँ पर हेडिंग डाला था कि वाई डू स्टार ट्विंकलिंग, तारे के हम टिमटिमाते हैं, तो अब प्यारे बालक जी अपने नोट्स बनाएंगे, ये सिर्फ बैकग्राउंड में ही बनाना है, यहाँ तक था, चलिए और इसकी इमेज आपको हम दिखाते हैं वहाँ से बना लीजिएगा। देखिए बच्चे मैं पूरा स्क्रीन इसलिए छोड़ता हूँ कि मेरे पैर वाले ये आपके लिए नोट्स बनाए हूँ। अच्छा तुम बताओ बच्चे जी थोड़े से राइटिंग के लिए मेरा माफी करते हो तो कंटेंट कितना दमदार है, देखो आप कितने लहजे में याद करा दिया गया है कि नहीं, चलिए ठीक है अब आप प्यारे बालक मेरे ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे। एक्चुअल तारा यहाँ पर है लेकिन इसका अपवर्तन कारण मान लीजिए इमेज यहाँ बना थोड़ा देर के लिए, तो ये कहलाएगा बच्चे अपेरेंट स्टार पोजिशन, और ये क्या है बच्चे उसका एक्चुअल है, लेकिन ये बार बार चेंज होता है ना, तो कभी यहाँ बनता है कभी यहाँ बनता है, बार बार इसके अपेरेंट पोजीशन नहीं चेंज होते हैं, बन गया डायग्राम। हाँ सर परीक्षा में डायग्राम जरूरी नहीं है, परीक्षा में ये बायो नहीं है बच्चे जी, हर चीज़ को डायग्राम सही समझना पड़ेगा, फिजिक्स है यहाँ पर कंसेप्ट उन्होंने बता दिया आपका काम हो गया। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तारे टिमटिमाते हैं तो ग्रह क्यों टिमटिमाता है, तारे टिमटिमाते हैं
इसका बच्चे इसी में था, आपने जरूर पढ़ा होगा, टिटवाहत का प्रभाव है। हाँ ये रहा आपसे क्वेश्चन, आप देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो आपने कर लिया। चलिए फिर मैं इस हाई लेटर पर निकालता हूँ। चलिए सारे पॉइंट बच्चे आपके एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल आपको नहीं डरना है, जो भी आंसर लिखवा रहे हैं बहुत अच्छे टीचर का है। आपको बहुत बार बता दिया हूँ कि हम लोग फिजिक्स वाला कंटेंट बनाते हैं, आपने जरूर अभी नोट्स में ही देखा। देखिए देखिए कहाँ का नोट्स, जब यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखवाए गए हैं तो आपको डरना क्या है, बहुत मेहनत होती है आपके लिए बच्चा जी प्यारे वाला। चलिए तारे के मुटेंट बातें हैं बच्ची, थोड़ा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी ऑनलाइन, फिर हम अपने भाषा में आएंगे, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे बच्चे जी और खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत बातें समझ में आएगी। तारों का ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत पास है, आपने पढ़ा तारा बहुत दूर है इसीलिए प्रकाश बिंदु जैसा स्रोत माना जाता है, लेकिन ग्रह थी ग्रह क्या बच्चे बहुत पास में है उसके अपेक्षा में, इसलिए वो बिंदु स्रोत नहीं है, वो बिंदु स्रोत नहीं एक विस्तृत स्रोत की तरह काम माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों के संग्रह मान लें, सभी बिंदु के साइज प्रकाश के स्रोतों में हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली मात्रा के कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित होता है। इसीलिए सर आपने क्या पढ़ाया ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये सब थोड़ा कम समझ में आया, एनसीईआरटी पर कम समझ आएगा। अभी सर जी का एक बार नोट्स लिख लो पहले, हम समझाते हैं तो आप बोलोगे सर तो पूरा समझ में आ गया, ऐसा ही बोलोगे सर एक बार पूरा क्लियर हो गया, पहले आप इनको नोट करेंगे इसका आंसर, नोट किया आपने। चलिए सर जी आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों टिमटिमाता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए आपको देखना मजा आएगा कैसे आपको ये टिमटिमाते हुए मालूम क्यों पड़ रहे हैं। सॉरी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, देखिएगा मैंने क्या बोला कि से ये अपना पृथ्वी है ठीक है, और जो मान लीजिए कि स्टार कहीं यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए स्टार यहाँ है बहुत दूर है ये अपना पृथ्वी है, लेकिन ग्रह मान लीजिए बच्चे यहाँ पर है, कोई भी सूर्य चांद जो भी आपको दिखते हैं सब यूरेनस बहुत जो भी आप ग्रह के नाम जानते हो वो मान लीजिए यहाँ पर है, तारा है बहुत दूर इनसे, और थोड़ा मैं दूर बनाता हूँ यहाँ बनाता हूँ जितना मेरे पास जगह है यहाँ। अब समझे बच्चा जी ये छोटे नहीं है स्टार, स्टार बच्चे छोटे नहीं होते हैं, बस तो ये फ़र्क है कि ये थोड़ा हमसे बहुत दूर है इसीलिए तारा हो गया। सर जी गंदा तारा बना दिया कोई बात नहीं, सूर्य हो गया मान लीजिए, ये क्यों टिंट वाला है, इसके लाइट जो है बच्चे बहुत दूर है, इतना दूर है कि ये मान लो ऐसा लगता है ना बहुत बिंदु ऐसा इतना छोटा सा दिखता है, तो वहाँ से आने वाली किरण वाली ऐसे आती है ऐसे ठीक है, और बहुत सारे अपने क्या पार्क इसमें लेयर्स हैं। अब इनका वायुमंडलीय परिवर्तन होता है तो बार बार इनका परिवर्तन हो जाता है इससे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है नज़दीक में यहाँ पर है कोई ग्रह है, अब इनसे जो लाइट आता है बच्चे जी तो एक नहीं इसमें से इनमें एक नहीं इनमें से बहुत सारे पॉइंट, इसमें से एक ही बिंदु आता है किरण का कोई लाइट का प्रकाश का, इसमें से बहुत सारा निकलेगा बहुत सारा निकलेगा हज़ारों लाखों करोड़ों प्रकाश की किरणें आएंगी। अब तो बच्चा जी बता इसमें तो एक आया तो परिवर्तन हो गया तो हमको टिमटिमाते हुए मालूम पड़ रहा था, लेकिन इसमें तो एक बिंदु स्रोत नहीं, इसमें तो अनंत है बहुत सारे इसमें से आ रहे हैं ग्रह से पास में है, ये बहुत पास में है, ये बहुत दूर था इसलिए प्रकाश बिंदु का स्रोत की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन ये प्रकाश बिंदु की तरह नहीं कार्य करेगा, ये बहुत बड़ा एक मान लीजिए स्रोत की तरह कार्य कर रहा है। अब इसमें से मान लीजिए बच्चे इसका अपवर्तन एक बार हो रहा है धीरे धीरे, चलिए ये हमारे आँख में आ गया, इसका अपवर्तन हुआ तो ले मान लीजिए ये हमारे आँख में आ गया, तो कुल औसत अगर मान लीजिए इसमें से 10 लाख है एक आपको समझता हूँ, मान लीजिए इसमें 10 लाख किरण आया तो बच्चे जी हर बार एटमोसफियर सबका अपवर्तन नहीं कर पाएगा, 10 लाख मान लीजिए कि 2000 का अपवर्तन कर दिया, बाकी तो हमारे आँख में इसका लाइट आ ही जाएगा, बाकी यहाँ पर अपने ये लाइट कम ही हो गया है यही नहीं है, मान लीजिए इसमें से 20,000 का अपवर्तन हो गया, बाकी हमारे आँख में तो आ ही रहा है हर बार आँख में आ ही रहा है, तो हमको मालूम ही नहीं चलता कि सूर्य टिमटिमा रहा है क्यों, आपने समझ गया इसमें बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं तो इसमें कुछ का अपवर्तन होता है कुछ का नहीं होता है, इसमें एक एक बार आ रहा है तो उसका अपवर्तन बार बार हो रहा है, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा मानते हैं कि बहुत इतना दूर होने के कारण तारे इतने दूर हैं कि उनसे एक ही बिंदु से ऐसा लगता है कि ऐसा तारा है बिंदु जैसे आपने देखा भी होगा ऐसा लगता है। अब उसमें से बच्चे कितना लाइट आएगा देखिएगा, ये थोड़े बड़े भी दिखते हैं क्योंकि पास में है तो इनसे बहुत सारे लाइट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें लाइट्स नहीं है इसमें भी लाइट्स है। चलिए ठीक है तो आपने समझ लिया कि इनका कुछ का परिवर्तन होता है, लेकिन तले बाकी किरणें हमारे आँख में आती हैं तो हमको मालूम ही नहीं चल पाता है कि ये टिमटिमा रहे हैं, जबकि तारे टिमटिमा रहे हैं लेकिन ग्रह टिमटिमाते हुए मालूम नहीं पड़ रहे हैं। अब कोई दिक्कत प्यारे बालक जी को, कोई दिक्कत ना सर एक्सप्लेन कर दिया गया, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोला था हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, और ये छोटा सा डायग्राम है कि एनसीईआरटी का ये है या आप बना सकते हो ऐसे ही कि
ये देखिए मैंने क्या दिखाया आपको, यहाँ नज़दीक है ग्रह, क्या है बच्चे, नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, और तारे दूर हैं, तो ये एक बिंदु से आ रहा है पृथ्वी पर, लेकिन इनके बहुत सारे किरण से, इसमें बहुत सारे, तो देखिए कुछ का परतन हो रहा है देखिए, लेकिन बाकी तो अब बच्चे लाइट आ ही रहा है पृथ्वी पर, हमारे वाले यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पर आ रहा है, तो ये टिमटिमाते नहीं मालूम चलेगा कि इसका कुल औसत, मान लीजिए इसमें से 10,000 है तो 100-200 का परतन हो रहा है, बाकी तो हमारे आँख में आ रहा है, एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है सर, मज़ा आ गया सर, अब क्या टॉपिक है अपना, चलिए तो टॉपिक क्या है ये कौन बतलाएगा, ये NCERT बतलाएगी हमको। सर मैं तो वीडियो पॉज करना भूल गया था, कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं प्यारे बालक जी। चलिए अब देखिए, अग्रिम, अग्रिम मतलब पहले, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित, विलंबित मतलब बाद में, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या होता है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्या होता है। बहुत प्यारा टॉपिक है, देखना मुझे तो लगता है मुझे आप लोगों को कुछ बातें समझा के कुछ पढ़ा के, कुछ मैं खुद पढ़ता हूँ ना और फिर आप लोग पढ़ाते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है कि मैं प्यारे बालक को बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद होता क्या है, इस पर हम चर्चा करने आए हैं, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा इनको और जूम किया जाए क्या, ये बच्चे जी थोड़ा डायग्राम से ही समझा पाएंगे आपको हम, तो पहले आपको ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा PDF से ही करा देता हूँ, ताकि मेरे प्यारे बालक को यहाँ थोड़ा कलरफुल दिखेगा। हम लोग कब तक गरीबी में जियेंगे, मानता हूँ बच्चे जी अपने पास थोड़ा ये है, चलिए आ गया आ गया आ गया। देखिए थोड़ा इसको हम जूम करने जा रहे हैं बड़े, क्योंकि पूरा स्क्रीन दिख जाए आपको। चलिए अब इनको समझने की कोशिश कीजिए, ये बच्चे जी क्या अपना वायुमंडल है, ठीक है, वैसे सॉरी ये अपना पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और हमने कहा सूर्योदय से पहले, तो मान लीजिए कि अपना दो दिशा है, एक बार सूरज पूर्व में उगता है तो पश्चिम में क्या होता है, एक बार सनराइजिंग होता है, सनसेट होता है, एक बार उगता है एक बार डूबता है सूर्य, ठीक है। बच्चे जी मान लीजिए पृथ्वी अपनी, तो यहाँ पर एक लाइन में आपको दिखाया गया, इस लाइन को बोला जाता है बच्चे होरिजन, क्या बोलते हैं होरिजन, यानी क्षितिज, कैसी रेखा है, क्षितिज रेखा, जो धरती के पूरा ऊपर है और पृथ्वी तो अपनी गोल है बच्चा जी। अब मान लो जो सूर्य यहाँ है, क्या है बच्चे, सूर्य कभी यहाँ है, क्योंकि सूर्य तो हमारे धरती के और बच्चे, हम लोग मान लो कि सूर्य अगर पर क्या, हमारे सूर्य अगर है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, और पृथ्वी सॉरी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, यानी पृथ्वी जो बच्चा जी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी तो घूमती है ना, ठीक है, और यानी कहने का मतलब सूर्य जो है पृथ्वी एक बार उसको एक चक्कर लाते दिन और रात हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी ये हम लोग ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पृथ्वी है, अब इसके लाइट बच्चे कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेंगे, तो क्या हमको दिएगा, नहीं दिएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर हैं, तो हमको लाइट कब दिएगा बच्चे, इसके लाइट्स चारों तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ जाएंगे, तो इसके लाइट को मान लीजिए इस कल कर यहाँ आएंगे एटमोसफेयर में गए, अब उसके क्या होगा, अपवर्तन, क्या होंगे बच्चे, अपवर्तन, अपवर्तन होगा तो बच्चे क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। देखिए लाइट यहाँ गया, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने बच्चे, विरल जी कुछ भी अपने पढ़ा था कि अपवर्तन होता है कि नहीं होता है, होता है सर, कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ तो मान लीजिए कोई कुछ नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो लाइट सीधी गई सूर्य से निकल के यहाँ पर आई, लेकिन क्या होता है, क्षितिज रेखा यहाँ यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अब जैसे ये वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा बच्चे, इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ऐसे मूव मूव गई, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसको हम लोग कल्पना करेंगे बच्चा जी, अब ये लाइट्स क्या होंगे बच्चे, हमको ऐसे दिखेंगे, सूर्य यहाँ है लेकिन इसकी रोशनी हमको यहाँ से मुड़ के यहाँ पर हमारे आँख में है ये, तो इमेज क्या बनेगा, यहाँ सूर्य यहाँ है हमको यहाँ दिख रहा है सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आपने देखे वायुमंडलीय परिवर्तन कारण, अब क्या हो रहा है बच्चे, सूर्य हमको यहाँ दिखता है, लेकिन अभी बच्चे इसके लिए क्या होता है बच्चे, हमको जबकि सूर्य हुआ नहीं होता, 2 मिनट का अंतर होता है, सूर्य यहाँ है तो 2 मिनट पहले हमको दिखना शुरू हो जाता है, मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, डूबने में भी सेम काम होता है, ये मान लीजिए डूबने का ही है, सूर्य डूब गया है लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पर, कितने 2 मिनट का ही अंतर होता है, कितने मिनट का, 2 मिनट का, सेम कहानी यहाँ आई है, मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय क्या है, मान लीजिए बच्चा जी यहाँ डूब गया,
सन डूब गया है फिर भी क्या होगा बच्चे, इसका लाइट यहाँ जाएंगे फिर परतों में हमारे आँखों में आएगा तो हमको सूर्य अभी दिखता ही है। शाम को देख रहे बच्चे सूर्य डूब जा, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है ना, तो सूर्य वहाँ नहीं है बच्चे जी, सूर्य थोड़ा नीचे चला गया है। क्यों? थोड़ा नीचे क्षतिज है कि नीचे चला गया है, लेकिन हमको फिर भी क्यों दिख रहा है कि उसके लाइट्स ऊपर आ रहे हैं फिर परतों में आँखों में आ रहे हैं। तो ये 2 मिनट का इधर और 2 मिनट का इधर ज़्यादा हमको हो जाता है, इसीलिए हमारा दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 2 मिनट दिखता है तो हमारा 4 मिनट बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा जगना पड़ जाता है, जो आपके लिए थोड़ा दुखी बात है कि ज़्यादा जगना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, आपने समझे इस टॉपिक को? हाँ सर, अब इनके नोट्स को आपको ऐसे ही थोड़ा डायग्राम सही थी बना लेने हैं ताकि आपको क्या हुआ आपको मालूम चल जाए। इसको यहाँ बंद कर देता हूँ कि इधर कुछ लिख ना लो। चलो ठीक है, आपने क्या दिखाया? अब जरूर है, 2 दिखाया आपको। ये कैसी रेखा थी? होरिजन थी। क्या थी? होरिजन, जिसको हम क्षितिज बोलते हैं। सूर्य यहाँ था, लाइट्स सारे लाइट्स बहुत सारे गए अपरतन के यहाँ आया, हमको यहाँ दिखा सूर्य एक्चुअल पोजिशन यहाँ है, दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, फिर सूर्यास्त में भी वही है सूर्य की स्पष्ट, इसको बोलते हैं बच्चे जी अपेरेंट पोजिशन। सूर्य यहाँ है दिख यहाँ रहा है, तो इसको लगता है इंग्लिश में अपेरेंट पोजिशन। बन गया, ये आपकी पृथ्वी थी, ये मैं दिखाया हूँ ना ये वाला, ये पृथ्वी, ये आपको वायुमंडल था, ये पृथ्वी दिखाया हूँ यहाँ पर, दिख रहा पृथ्वी आपकी? हाँ सर, ये दे रहा। चलो अब इससे क्या होता है, तो अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए सूर्योदय आपने सुबह और शाम को बता दिया, लेकिन आपसे कोई पूछा जाए कि जो सूर्य यहाँ है यहाँ दिख रहा है, सूर्य यहाँ यहाँ दिख रहा है, इसके अपेरेंट पोजीशन बदलते रहते हैं, कब इसका अपेरेंट पोजीशन नहीं बदलेगा बताइए? कब? देखिए सूर्य यहाँ है तो यहाँ दिख रहा है एक्चुअल और अपेरेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहिए आपके मन में आना चाहिए, सर किस समय पर एक्चुअल और अपेरेंट एक ही जगह रहेंगे या ऐसे भाव मतलब भ्रम वाला भावना नहीं रहेगा? बताओ, तुम सोचो जल्दी से, कब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया गया जल्दी बताइए, किस समय पर सूर्य की एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन सेम होगा? जहाँ सूर्य होगा उसके अपेरेंट पोजीशन भी वहीं बनेंगे, जल्दी बताओ। समय दे रहा हूँ इसके लिए कि थोड़ा, क्योंकि हमारे लाइव चैप्टर पूरा पढ़ के आया है, जल्दी बताइए। तो सर तुम कहोगे, चलो जो भी आपने सोचा, अब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे ने क्या सोचा। चलिए, अगर आपने सोचा था कि जब सूर्य यहाँ दोपहर में, कहाँ पर? दोपहर में। क्यों बच्चे दोपहर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोपहर में क्या होगा बच्चा जी, दोपहर में ऐसा हो जाएगा कि सूर्य कहाँ आ जाएंगे बच्चा जी, पूरे 90 डिग्री पर आ जाएंगे। ये मान ली पृथ्वी है, सूर्य यहाँ आ गया है, 90 डिग्री कोण पर आ गया। अब तुम बताओ जी, जब 90 डिग्री से कौन आएगा तो अपने क्या पढ़ा था, 90 डिग्री पर कोई अपरतन होता है क्या? जब अपरतन होने के बाद 90 डिग्री से इधर उधर होना चाहिए, थोड़ा सा मान लीजिए लाइट इधर से आए दूसरे एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से आएगी तो बच्चे जी कोई उसका अपवर्तन नहीं होगा, सीधे वायुमंडल में उसका अपवर्तन होगा ही नहीं होगा, कोई मुड़ेगी नहीं लाइट, देख कम मुड़ेगा, देखिए लाइट कम मुड़ेगा, मान ली इधर से सूर्य का लाइट आया तो थोड़ी देर मुड़ सकता है, इधर से आया तो ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से किरण आ रही है सीधे सूर्य के प्रकाश से, यहाँ से किरण आ रही है तो खैर सीधा रहे तो नहीं, यानी दोपहर में सूर्य भी यहीं दिखेगा उसके अपेरेंट पोजिशन भी यहीं दिखेंगे। सर कितने अच्छे पढ़ाते हो सर, मज़ा आ गया। चलो, और ये निकम्मा कम वक्त आपके लिए, क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की ड्यूरेशन जो होती है बच्ची 4 मिनट अधिक हो जाती है, आपको 4 मिनट ज़्यादा जगना पड़ता है इसी कारण। ठीक है, 4 मिनट अधिक, क्योंकि 2 मिनट पर यहाँ भी डूब गया फिर भी दिख रहा है, यहाँ भी अभी सूर्य सॉरी यहाँ सूर्योदय मान लीजिए हो गया है, नहीं हुआ तो फिर भी दिख रहा है, डूब गया तो फिर भी दिख रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी हमको दिखते रहते हैं। क्लियर है नोट्स आपके? हाँ सर, नोट्स मेरे क्लियर हैं। आपसे क्वेश्चन इसके बारे में लिखना पड़े तो आपको चित्र बना के तो नहीं आना पेपर में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिखने के लिए तो उसको चित्र बना के थोड़ी आओगे? नहीं सर, आप इसके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के सूर्योदय के बाद भी सूर्य हमें क्यों दिखता है, क्यों मालूम पड़ता है? तो अब पहले तो आप क्या करोगे, ये तो तुम प्यारे बालक हो मेरे, इसको पढ़ोगे, पढ़ लिए ना इसको? हाँ सर पढ़ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया अपने? हाँ सर पढ़ लिया। चलिए अब इनके लिखने के आपसे क्वेश्चन, इसको लिखना हो शब्दों में तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपको लिखने हैं, लिख लीजिए, जो समझाएं वही बात इसमें लिखी गई है कि वास्तविक सूर्योदय के कथित वास्तविक सूर्योदय जो सनराइज होता है तो आमतौर पर हम जो देखते हैं उसके बाद में होता है, सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन हमको दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल बाद में होता है, पहले ही दिख जाता है। जब सूर्यास्त देखते हैं तो सूर्य से आने वाली प्रकाशी किरणें अपवर्तित होकर, आपने देखा कि हमारे आँखों में
यदि हमारी आँख कथी उसकी अपवर्तित होकर हमारी हमारी ओर झुक जाती है, हमारी ओर झुक जाती है, ये और हो गया ना, इसको और कर देना, हमारी ओर झुक जाती है, उस समय सूर्य का वास्तव में क्षितिज के नीचे होता है। उस आपने देखा होरिजन के नीचे था सूर्य, कहाँ था? होरिजन के नीचे, आपको दिखा था डायग्राम, हाँ सर। ऐसी स्थिति में अगर होरिजन के नीचे होता है और हम देखते हैं कि सूर्य ऐसी प्रतिबिंब है जो वायुमंडल अपवर्तन, और लेकिन हमको सूर्य ऊपर दिखता है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कारण होता है, जो वास्तव में अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक होता है। कहाँ होता था? वास्तविक स्थिति से अधिक था, आपको डायग्राम में दिखाया था, आपको फिर से दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए था यहाँ पर, लेकिन वास्तविक स्थिति से बहुत अधिक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ सूर्य यहाँ दिख रहा है, क्षितिज के नीचे होता है, ठीक है। चलो थोड़े से ये ठीक है सर, क्लियर 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 प्यारे बालक जी। कहते कि वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और इसी कारण यह वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। परेशान हीटिंग हो रहा है बार बार, फिर फैन चालू कर दिया हूँ, फिर अब कुछ नॉइस आएगा, साउंड आएगा, तो माफ़ी करना बच्चा जी। चलो क्लियर है? हाँ सर। अब सर ऐसा सर, क्या सर कुछ ऐसा हम जुगाड़ दीजिए ना। अच्छा बच्चा जी, मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछे तो इतना लिख सकते हो, 5 नंबर के लिए पीछे तो इतना लिखिए, इतना लिख देना। लेकिन मेरे प्यार वाला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, सर इसको 2 नंबर में आंसर लिखना है, तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे? नहीं नहीं सर, गुरुकुल आश्रम और PW फिजिक्स वाला है तो फिर क्या करना। अब देखिए आपके मैं सारे पॉइंट्स को 3 पॉइंट में झलका देता हूँ, आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखना है? यह वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है, हो गया सर। दूसरा पॉइंट क्या लिख देना? सूर्य सूर्योदय के साथ 2 मिनट पहले दिखाई देता है और शाम को 2 मिनट देर तक दिखाई देता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा लिख देना, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। क्या सर कितना मजा, इतने 3 शब्दों में 3 लहजों में। हाँ बच्चे, ये मेन पॉइंट्स है, इसकी यही बातें तो यहाँ लिखी गई है, क्लियर है। चलो 2 नंबर पूछे तो इतना लिख देना, धीरे धीरे पूछे तो इसी क्वेश्चन को इतना लिख देना, ठीक है। मेरे प्यारे बालक, सब कुछ कराया गया, अब थोड़ा आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके टॉपिक थोड़े से मतलब कठिन से हैं, ये वाले हम जो पढ़ेंगे, स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग मतलब सर होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। तो पहले प्रकीर्णन पढ़ाने से पहले आपको मैं थोड़ा एक चीज़ और जो आपने पढ़ा था कि जो प्रिज्म से होकर, मैं थोड़ा डाउट से एक बार थोड़ा दूर कर दूँ कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हैं। ये रहा प्रिज्म, सूर्य का सूर्य लाइट आया, ठीक है। तो ये क्या होता है? 7 रंगों में बट गया। कितने रंग बट गया? स्प्लिट हो गया, 7 रंगों में बट गया। तो ये बच्चा जी अलग चीज़ है, लेकिन अगर सूर्य के प्रकीर्णन क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ आया, सूर्य का लाइट आया, सूर्य प्रकाश, अब कोई इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, अनियमित इधर उधर चला गया, तो इसको बोला जाता है प्रकीर्णन, फैल जाना, प्रकीर्णन। और ये क्या बच्चा जी? विभक्त होना, टूटा, सिर्फ 7 रंग में ही टूटा। तो वो चीज़ और ये प्रकीर्णन और ये दोनों चीज़ क्या बच्चा जी? अलग अलग से हैं। तो पहले इनको पढ़ लिया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बालक इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे वीडियो पॉज करके। हाँ सर, हम बहुत ईमानदार बालक हैं, अच्छे बालक हैं। चलिए इनको थोड़ा मैं आपको नोट्स में लिखवा के थोड़ा समझाए चलता हूँ। देखिए तो हेडिंग क्या बनेगा आपके बच्चे जी? आपके हेडिंग बनेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्केटरिंग ऑफ लाइट। दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों करना है सर जी? हाँ सर, दोनों करने हैं। चलिए अब देखिए, यह इसलिए होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है? यह बच्चे जी इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के को कणों का द्वारा ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए वातावरण में क्या होता है, थोड़ा इसको बहुत मैं आपको समझाएंगे प्यारे भाषा में, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए जैसे सूर्य के कोई प्रकाश आया वातावरण में, तो वातावरण एटमोसफेयर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे उसमें कण होते हैं। वो कण क्या करते हैं बच्चे जी? सबको नहीं, कुछ को अवशोषित कर लेते हैं। अब तुम्हें बताओ जी किसको अवशोषित करेंगे? मान लीजिए उनको सोखना है किसी को, तो किसको रख लेंगे? मान लीजिए कि वायुमंडल में सब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। सादा पेज लेता हूँ, आपको समझाते बढ़िया से। ये रहा, इसमें समझ में आएगा।
मान लीजिए वायुमंडल में क्या बचे जी, बहुत सारे ये रहे पार्टिकल्स, क्या है कण है। अब सूर्य के लाइट आ रहे हैं, अब सब लाइट क्या है बचे जी, अलग अलग क्या है, तरंगधर्य है। सबका तरंगधर्य क्या है, अलग अलग है। अब तुम्हें बताओ जी, सबका जो तरंगधर्य अलग अलग है और पार्टिकल्स क्या बचे जी, इनके भी कुछ साइज होगा। तो ये अपने साइज़ के, जो मान लीजिए इनका साइज़ का व्यास होगा और जो ये लैम्डा इधर से आएंगे, तो ये क्या करते हैं, कम तरंगधर्य वाले को जो इनके से जिनकी जमती है इन पार्टिकल की, जिन जिन तरंगधर्य से जमती है उसको क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल तौर बताता हूँ, इसमें सात रंग में आया डिबिग्योर में, क्या सात कलर आया, सात प्रकाश के पार्टिकल आए, सातों का लैम्डा क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है। तो ये मान लीजिए कि क्या करते हैं कि ब्लू कलर वाले को, नीले कलर वाले को ये रोक लेते हैं, बाकी भी छोड़ देते हैं। तो क्या किए कि मान लीजिए इसमें लाइट आया, तो ये पार्टिकल क्या किया कि सिर्फ ब्लू कलर को रख लिया, बाकी सब को जाने दिया, अपने सब को जाने दिया, जाने दिया। अब ये सब चल गए हैं, सिर्फ कौन बचा है, ब्लू कलर। अब क्या करेगा, दोस्ती किया, पहले से दोस्ती कर लिया, उसको रख लिया, अवशोषित कर लिया, उसकी एनर्जी को रख लिया। अब बाकी सब चला गया था, सब हमारे आँखों में आ गया रंग, लेकिन नीला रंग का किया इसने, रख लिया। और नीला रंग क्या करते हैं बाद में, अब भाग भाग हट जाए उसे, फैला दे जो, अब उसी को फैला देगा। तो ये किया, यहाँ पर क्या होता है बच्चे जी, यहाँ पर गद्दारी की जाती है किसी ब्लू कलर से, नीले कलर से, कम तरंगधर्य वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको वायुमंडलीकरण क्या करते हैं, रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी कुछ नहीं करते हैं। बाकी बोलते हैं तुम जाओ, तुम मेरे दोस्त हो जाओ, तुम जाओ जाओ, कोई तुमसे मतलब नहीं। एक को रख लेते हैं नीले कलर वाले को और बाद में उसको फैला देते हैं। इसी कारण बच्चे जी आपको वायुमंडल पर आकाश का रंग आपको बच्चे जी थोड़ा नीला दिखता है। क्यों, ऐसा नहीं सिर्फ नीला कलर को ही रखते हैं, रखते हैं तीनों को हैं ये, लेकिन ज़्यादातर इनकी ब्लू से ही जमती है। तो इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। अब आपको बहुत अच्छी समझ में आया, जो आपको समझाया रफ में वही इसका मेन पॉइंट है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रकाश के कणों द्वारा ऊर्जा के रूप में अवशोषित होती है। प्रकाश के जो कण है पार्टिकल्स हैं, उसको एनर्जी के रूप में ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, फिर कण सभी दिशाओं में फिर उसको सोखने के बाद फिर से उसको फैला दिया जाता है, फिर कण सभी दिशाओं में फिर से प्रकाश को परिवर्तित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। जो पार्टिकल्स उसको ऑब्जर्व किए थे उसको फिर से वो कर देते हैं, फैला देते हैं। चलिए, फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया। तो सर इसकी फैक्ट कैसे बच्चे जी, मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या दिखाया, थोड़ा दिन और रात सूर्य से पहले तारे का टिमटिमाना, ये सब बातें हो रही थी, आपने पढ़ा भी था। लेकिन यहाँ कुछ घटना अलग घटेगी, एमसीक्यू में कभी गलती मत करना, क्योंकि तुम इसको प्रकीर्णन को थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग अपवर्तन से ही मार के आ जाते हो या बच्चों से मिस्टेक हो जाए तो आपसे नहीं होगा। चलिए, इसके फैक्ट देखिए क्या है, इसके फैक्ट्स हैं, इसके फैक्ट्स हैं बच्चे जी कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडलीय से गुजरता है तो वायुमंडलीय कण अपने व्यास के आकार के रंग जैसे बैगनी को अवशोषित कर लेते हैं। मान लें कण के व्यास का आकार इतना है, मान लीजिए कोई कण का व्यास आकार 10^9 है, तथा बैगनी का जो वेवलेंथ है उसका भी उतना ही है, 10^9 है, सेम है। मान लीजिए जो पार्टिकल वायुमंडल में पड़े हैं, जो वायुमंडल पार्टिकल पड़ा है बच्चे जी, अब बच्चे देखो मैं ये जो आंसर को पढ़ा जा रही है थोड़ा बुक से हट के, आप ऊपर कण मतलब साइंस की भाषा में, जो मतलब ये कण था इसका व्यास मान लो 10^9 था, जो वेवलेंथ है उसका भी सेम मान लो, उसका भी वही वेवलेंथ है, तो ये अपने आकार के कण को रख लिया, मान लो कण बैगनी हो सकता है, कोई भी कलर होगा, मैं इसे बता कि बैगनी ही होगा, ब्लू हो सकता है, कुछ भी सकता है, उसको रख लेगा थोड़ा देर और उस कण को सूचित कर लेगा और अन्य सभी 6 रंगों को जाने देगा। 7 को रंगाया, 7 को एक को रखा, बाकी 6 को जाने दिया और बाद में क्या किया, इसी को फैला दिया बाद में उसे फैला दिया, उसे क्या कर दिया बच्चे, उसको क्या कर दिया, उसको स्कैटरिंग कर दिया, उसको प्रकीर्णन कर दिया, ठीक है, उसका डिस्पर्ज कर दिया, उसको डिस्पर्जिंग कर दिया, हो गया, डिस्पर्जिंग नहीं बोलेंगे, वही बोलेंगे हम स्कैटरिंग ही बोलेंगे, उसको कर दिया। इसीलिए हमको थोड़ा इसके बहुत सारे इसके परिणाम देखते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आकाश का रंग नीला देखता है, उसने क्या करता है, सात रंगों में से क्या करता है बच्चा जी, थोड़ा फिर से दिखाता हूँ, चलो सात रंगों में क्या करता है कि पहले, और तुम देखो एक बच्चा जी थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, तुम बहुत बार बार राइटिंग लिए रोते हो ना, रो मत देखिए आपके लिए क्या कह रहे हैं, रिविजन बैच बन रहा है, तो वहाँ से मैं आपके लिए क्या किया हूँ बच्चा जी, देखिए आपके अच्छे शब्दों में अच्छे राइटिंग में आपके लिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो बच्चे जी आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना लो, आपको साफ साफ आपको नोट्स मिलेंगे, अब रिवीजन जब करेंगे ना आपका, जो वन शॉट रिवीजन आएगा जिसको लोग बोलते हैं क्रेश कोर्स कैप्सूल कोर्स, तो आपके लिए फ्री आएगा, सब कुछ फ्री आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे शब्दों में आएगा।
वैसे भी इतना बुरा नहीं लिखेंगे आपको नहीं समझ पाते, आप समझ पाते हो, बिल्कुल समझ पाते हो। इस क्या करते हैं बच्चे जी, आकाश का रंग नीला दिखता है, ठीक है। गहरे समुद्र का जल थोड़ा हरा हरा सा दिखता है, पूरा गहरा समुद्र का पानी देखोगे थोड़ा सा ग्रीन टाइप से दिखेगा वो, क्यों? ये सब प्रकाश के परिकीर्णन के कारण है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद देखना हल्की हल्की लालिमा दिखती है, जो अद्भुत घटना है। ये सब हम जीवन में से परिचित हैं, सब हम जीवन में से क्या है परिचित हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन था, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन अपने टॉपिक बचे जी, टिंडल इफेक्ट। क्या है बच्चे जी? टिंडल इफेक्ट, ये रहा टिंडल प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल लिखा है, टिंडल पर है, टिंडल इफेक्ट। क्या है ये? अब ये क्या है? तो ये वजह बहुत आसान चीज़ है, समझ गया। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, कभी देखना लाइट आती है अपने घर में, तो किसी मान लो अपनी छत के चाहे खिड़की से लाइट आएगी, तो उसमें देखना बहुत सारे धूल कण, उसका एक प्रकाश का एक रास्ता दिखता है, ऐसे ऐसे लाइट फॉक्स दिखने लगता है इसको थोड़ा को। आपने कहीं बच्चे जी बगीचा में या घर के देखना, देखना ऐसे ऐसे सूर्य की लाइट आता है ना, ऐसे दिख रहे हैं ये, क्या सूर्य के प्रकाश के लाइट दिख रहा है, पथ दिख रहा है, यही टिंडल इफेक्ट है। ये क्या टिंडल इफेक्ट है? और ज़्यादा आपको कहाँ दिखेगा? ऐसे तो आपको ज़्यादा दिखेगा ये ऐसे। इसको देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 2 बिलियन होंगे सॉल्यूशन होगा, इसमें आप टॉर्च मारेंगे, देखिए अगर बच्चे जी यहाँ टॉर्च में देखिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर आपको ये उसका पाथ दिखता है, दिख रहे हैं। और मैं थोड़ा इसका ये गूगल से दिखाता हूँ, इसकी प्यार प्यार सा खूबसूरत इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, दिख रहे हैं सूर्य हो गया, देखिए उसके बहुत सारे प्रकाश दिख रहे हैं। जब उसके प्रकाश से कौन इसको पथ दिखने लगता है, इसको मुझे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सर इनको पढ़ते हैं थोड़ा अपने एनसीईआरटी के लहजे में, बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर होगा। सिर्फ ध्यान से आपको सुन लेना है और एक बार नोट्स बना लेने हैं, लिख लेना है, और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना है, आपका काम हो गया। अपने क्या पड़ा टिंडल प्रभाव, जो कोलाइडल विलयन होता है। सर कोलाइडल क्या है? कोलाइडल विलयन क्या है सर? नाइन्थ क्लास में पढ़े थे कि विलयन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन, एक विषमांगी मिश्रण, और एक होता है बच्चा जी समांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए तो जो कोलाइडल विलयन होता है बच्चा जी, तो टिंडल प्रभाव कोलाइडल या बहुत सारे महीन निलंबन के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। सर इस तस्वीर निलंबन क्या है, कोलाइडल क्या है, आप नाइन्थ क्लास से पढ़ कहते थे। एक मतलब घोल होता है, एक बिलियन होता है, जिसमें क्या होता है पार्टिकल के साइज पर निर्भर करता है। ये पार्टिकल के साइज के आधार पर इनका नाम दिया गया है, आपने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में। थोड़ा सा यहाँ भी मैं चर्चा कर दिया हूँ, टेंशन मत लेना, सिर्फ इतना याद रखिए कि कोलाइडल बिलियन निलंबन के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या पढ़ा आपने समझा, प्रकाश किरण को थोड़ा देर कोई उसके साइज का होगा तो उसको रख लेगा और बाकी क्या करेगा फैला देगा, यही प्रकीर्णन है। वायुमंडल में सूक्ष्म या वायुमंडल में सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर्स है। इन कणों में धुआं आ सकता है, जल सूक्ष्म बूंदे ये पानी कुछ बूंदे धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित हैं। ये सब उसमें जितने पार्टिकल्स इसमें ये शामिल हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो लिख लिया अपने हाँ सर तो किरण का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश की किरण उसकी रास्ता दिखाई देता है। अपने घर में देखना खिड़की से, आपको बहुत बार अपने क्लास में तो ऑफलाइन बच्चों को बहुत बार दिखाया हूँ कि लाइट आता है, तो आपने भी देखा होगा धूल दिखता है, एक रास्ता दिखाई देता है, वो क्या है? वही बच्चे जी क्या है बच्चे जी? टिंडल इफेक्ट है। दिखने लगता है प्रकाश इन कणों द्वारा विस्तृत रूप से परिवर्तित होकर हम तक पहुँचता है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब ये भी पॉइंट इसके ये आखिरी आंसर है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है, ये इसका मुख्य आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लिखना पड़े तो उसको तो लिखना पड़ेगा सर। इसके और मैं देखिए आपको शॉर्ट में लिखवाता हूँ, ऐसे इसको वैसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाली किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता है, जबकि इसका मार्ग कोलाइडल विलयन के माध्यम से दिखाई देता है, जहाँ कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, उनसे बड़ा होता है। और मैं लिख दिया हूँ कि वास्तविक जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका साइज इतना होता है, कोलाइडल विलयन होता है उसके इतना होता है, और निलंबन जो होते हैं उसके बहुत लार्ज होते हैं। निलंबर के क्या होते हैं बच्चे? साइज बहुत लार्ज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ कि निलंबर के साइज बहुत लार्ज वेरी लार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका साइज लिख दिया हूँ, चलिए तो इसको कर लिया जाए।
यहाँ पर बच्चे लिखा है निलंबन, क्या लिखे हैं बच्चे जी यहाँ पर, निलंबन वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं निलंबन, के सही क्या होता है बच्चे, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में क्या लिखना है आपको पेपर में, सिर्फ ऊपर वाला से काम चल जाएगा, ये थोड़ी नॉलेज के लिए लिख देते हैं, अगर ज़्यादा नंबर के मार्क्स भी तब इतना लिख आइएगा। प्रकीर्णी घटना के कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो बिखर जाता है, फैल जाता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो होता है बच्चा जी, प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है बच्चा जी, वेवलेंथ पर, कि व्युत्क्रमण पाति होता है। देखिए एक तो अपने आंसर ऊपर वाला लिखा, ठीक है, और आपके अपने ये भी आंसर लिख सकते हैं, जब कुछ ट्रिनल इफेक्ट क्या है तो आप ये भी यहाँ से भी उसके आंसर लिख सकते हैं। चलिए प्रकीर्णन जो होता है बच्चा जी वेवलेंथ की क्या होता है बच्चा जी, व्युत्क्रमण पाति होता है, वेवलेंथ के व्युत्क्रमण पाति होता है। सर इसका मतलब वेवलेंथ बोले तो बच्चे तरंगधारे के व्युत्क्रमण पाति होता है, इससे क्या होगा तरंगधारे बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो तरंगधारे बढ़ेगा, बिल्कुल इसको अपोजिट चलता है, तो ये करता है कि अपोजिट होता है। अतः सबसे कम वेवलेंथ वाला नीला रंग लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है, लाल रंग से अधिक तुलना। देखिए आपका मैंने वही थी, आपने दो रंग छोड़ा, आपने एक नीला रंग जिसे सबसे, आपने क्या पढ़ा था सर, आपने क्या पढ़ा था विवग्योर, क्या पढ़ा था विवग्योर, 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 इसका मतलब हुआ बैगनी, वायलेट, इंडिका, इंडिगो, और ये क्या होगा अपना ब्लू, जी जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनका तरंगधारे सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और इधर से जाओगे तो बढ़ता है तरंगधारे, इधर से जाओगे तो घटता है, सबसे कम इनका, सबसे ज़्यादा इनका। तो क्या करेंगे इनका, आपने पढ़ा कि जो प्रकीर्णन जो होता है वेवलेंथ के व्युत्क्रमण पाति होता है, यानी जिसका ये ज़्यादा होगा, मान लीजिए लाल का तरंगधारे ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, और बैगनी का वेवलेंथ कम है तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा किसका होता है, इन तीनों का ज़्यादा होता है, इन तीनों का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और इन तीनों का कम होता है, ग्रीन के कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको कभी कभी आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि नीला इसी में आता है। देखो प्रकीर्णन इनका होगा, तीनों का ज़्यादा होगा, अब इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखने लगता है। और सूर्योदय के समय आपका प्रकाश का रंग लाल क्यों दिखता है, सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है, क्योंकि देखिए इनका प्रकीर्णन ज़्यादा हो गया, फटक दिखते हैं, इनका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए आपको सूर्य के समय, डूबने के समय और उगने के समय सूर्य का रंग आपको लाल दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है, इन तीनों का मिश्रण आता है तो ज़्यादा तो हमारे आँख में लाल ही आता है, इसीलिए हमको लालिमा जैसी, ऑरेंज और ये दोनों आते हैं तो जैसी दिखती है। सर पूरी घटना पढ़ा दिए, हाँ सर देखो आपको ये टर्म लिखना था, क्या मेरे प्यार वाले पढ़ पाएंगे इसको, वैसे एक बार लाइन रीडिंग मारता हूँ, जहाँ दिक्कत होता है इसको सुन के भी लिख लेंगे। देखिए प्रकाश की घटना के कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह बिखर जाता है, वह क्या होता है फैल जाता है, और प्रकीर्णन जो होती है वेवलेंथ क्या होती है, व्युत्क्रमण पाति होती है, आपने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके वेवलेंथ के, कौन, प्रकीर्णन, इसीलिए बच्चे किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, सबसे कम लेंथ वाला नीला रंग, नीला के उसमें बैगनी भी था, उसमें देखो बी आई बी, उसमें बैगनी था आपका, इंडिका था और आपका ब्लू था, लेकिन नीला का इसलिए कहता हूँ कि जो पार्टिकल होते हैं वो नीला से ही दोस्ती करते हैं, नीले के ही पार्टिकल को रखते हैं, चलो मान लो तीनों को ही रख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीला को रखते हैं और उसकी तुलना में जो लाल है उसका प्रकीर्णन बच्चे जी अधिक होता है, लाल का लंबा ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन होता है, और उसके अपेक्षा ब्लू का ज़्यादा होता है, इसीलिए सभी दिशाओं में फैल जाता है और वायु के अनुवाद द्वारा उसे नीले प्रकाश के इस अधिक प्रकीर्णन से बादल रहित, यानी बादल अगर साफ होता है तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है ना बच्चा जी पेपर में कि स्वच्छ ये वाला टॉपिक, कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको यही आंसर लिख देंगे तो काम होगा ये वाला, लेकिन आपको मैं आंसर कराया हूँ टेंशन मत लो, नीचे कराया गया नीचे आंसर, अब नोट देख लीजिए बच्चे जी, विवग्योर फिर से याद दिला दिए हमको, आप लोग तो बहुत आलसी बच्चे हो, इधर का और इधर का पर लेमडा ज़्यादा होता है इसका कम होता है, तो इनका मैं यहाँ दिखाया लेमडा का साइन दिखाया हूँ, लेमडा का साइन यहाँ पर, तो इनका लेमडा कम होता है इधर वाले का, और इन तीनों का लेमडा क्या होता है भाई जी, मैं दिखाया इंक्रीज ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन वायलेट, इंडिगो और ब्लू का होता है, फिर आकाश का रंग नीला, एक नोट लिखा हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चे प्रश्न से पूछ सकते हैं, सब अपने पर सर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन तो ब्लू बैगनी का होता है, फिर भी आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, इसलिए दिखता है बच्चा जी,
आकाश का रंग नीला ही इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे आँखों की जो कौन सेल्स हमने पढ़ते हैं रॉड सेल्स, कौन सेल्स नीले रंग के लिए क्या होते हैं सुग्राही होते हैं, उसके लिए अनुकूल होते हैं और हमारे आँखें में ज़्यादा नीला रंग के लिए सुटेबल होता है, ज़्यादा हमारे नीला रंग वो दिखा पाता है। और वैसे ही बच्चों तीनों को अगर मिला के भी अब नचाओगे ना तो आपको उसमें प्रभावी कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा, नीला रंग ही होगा। चलो अगला पॉइंट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होती। तो आकाश का रंग कैसा दिखता, काला दिखता। वह सर यानी वायुमंडल है तो प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होता। अब प्रकीर्णन नहीं होगा तो बच्चों जो हमको आकाश का रंग काला ही दिखता, नीला वाला नहीं दिखता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कभी अपने खतरे में देखा हो, खतरे में डेंजर जोन में जैसे टावर के ऊपर देखा हो अपने रेलवे के पीछे में कोई गाड़ी का बैकलाइट वो लाल कलर का ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसका लिमडा अधिक होता है। हाँ सर चलिए ये मत लिखना, ये उसी पॉइंट का था, ये उस पेज में का था। चलो अब आगे क्वेश्चन आपका ये वाला, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखता है, अपने नीला क्यों दिखता है, तो अपने तो पढ़ लिया। चलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया, देखिए ये वाला पेपर पूछता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला, लेकिन ये प्रश्न बच्चे जी क्वेश्चन ही हो गया, स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है, तो उसका अपने तो इतने आसान शब्द में अपने आंसर पढ़ना बच्चे जी, इसको तो एक एक पेज में लिख के हटवाया था बच्चों को, आपको ऐसा नहीं करना पड़ा मेरे प्यारे बालक को, खूबसूरत बालक को ऐसा आपको नहीं करवाया गया। और ये सर लोग कहा है बच्चे जी मैं बोला हूँ सिर्फ आपके मैं सामने पेश हो रहा हूँ, लेकिन नोट्स तो सर एक अच्छे अच्छे फैकल्टीज का है, तो मैंने अपने इसलिए लिखा कि इंडिया बेस्ट फैकल्टीज के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल भरोसा कीजिएगा। अब आकाश का रंग रक्ताप क्यों दिखता है, थोड़ा लाल लाल से क्यों दिखता है, आप सारे टर्म को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, नहीं पढ़ेंगे तो खूब समझिएगा, आप सबको पढ़ के आना है, पढ़ के आना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको मेन मेन टॉपिक यहाँ करा रहे हैं। मेरे पास टाइम का भी थोड़ा भाव हो रहा है बच्चे जी, टाइम हो रहा है, लेकिन सुबह का 5 बज गया, कब से सुबह से ही आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। चलिए तो इसके बारे में क्या लिखोगे, अब आपको टॉपिक में कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रकीर्णन पढ़ लिया, अपने वायुमंडलीय परिवर्तन पढ़ लिया, अब सारे टॉपिक इसी पर दौड़ेंगे। देखिए इसके आंसर में लिखेंगे हम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। क्षितिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के बहुत करीब में होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सर क्षितिज के पास है तो दूरी तय करना क्यों पड़ता है, अभी आपको समझा ही रहे हैं, रुक जाइए। देखिए प्यारे बालक, पहले तो वास्तव कितना खूबसूरत देश। देखिए बच्चे जैसे घटना क्यों घटती है, इसे मान लीजिए कि ये सूर्यास्त हो रहा है, तो ये बादल आकाश के रंग देखिए थोड़े लाल लाल से हो गए कैसे, और जब तो इसलिए ऐसा होता है कि बच्चा जी देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, थोड़ा सा चलो आपको अपने एनसीईआरटी में देख रहा हूँ दिया है क्या, मतलब टर्म यहाँ दिया है, चलो यहाँ समझाता हूँ, ये वाला समझाता हूँ टर्म, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और ये अपने कहाँ पर क्षितिज रेखा है, ये क्या है क्षितिज रेखा है, ये क्या है क्षितिज रेखा है, और सूर्य कहाँ है क्षितिज रेखा है, तो मतलब क्षितिज के पास है यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब ये मान लीजिए क्षितिज रेखा के पास है तो यहाँ से क्या होगा बच्चे जी, देखिए वह अगर ऊपर सूर्य होता है थोड़ा तो टेंशन नहीं है, लेकिन क्षितिज के पास होने से क्या होता है कि इसका जो लाइट जाएगा पहले ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको बना के दिखेंगे तो मज़ा आएगा, दूसरे का किताब का चीज़ से मज़ा नहीं आता, जब सर अपने हाथ से करोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ये लो ठीक है, ये मान लो पृथ्वी अपनी और ये क्षितिज के पास में है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, अब ये रहा आपका वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल ठीक है। अब क्या होगा बच्चे जी, देखिए पास में है तो क्या होगा कि तुरंत पहले इसमें से कौन निकले, पहले किसका प्रकीर्णन हो जाएगा, पहले इसमें से जिसके तरंगदैर्ध्य कम है, तो किसका तरंगदैर्ध्य कम है, बैगनी का, और गया उड़ गया इधर भाग गया, ठीक है, फिर इंडिका जामुनी, ये भी इसका भी ये भी प्रकीर्णन हो गया, फैल गया इधर से ही फैल गया, हमारे आँख तक नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, या चलिए सर फैल गया बादल में वायुमंडल में ही फैल गया, फिर उसके बाद देखिए, और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब बैगनी हो गया, फिर ब्लू भी इधर फैल गया, अब बच गया ग्रीन, तो ग्रीन तो भाई मान लो इधर कहीं रह गया, और बच गया हमारे पास 3 तरंगदैर्ध्य ज़्यादा वाले, अब बच गया हमारे पास येल्लो ऑरेंज और लाल, ऑरेंज मान लीजिए थोड़ा सा इधर आकर फैलेगा क्योंकि थोड़ा लेने ज़्यादा है तो थोड़ा दूर सफ़र करेगा वो, उसका प्रकीर्णन थोड़ा कम हो तो यहाँ तक किया, फिर मान लीजिए ऑरेंज थोड़ा करीब आएगा, ऑरेंज हमारे करीब आ जाएगा, और फिर कौन आएगा लाल सबसे करीब आएगा, और ऑरेंज और लाल दोनों मिलकर क्या बनते हैं बच्चे जी, दोनों मिलकर बनते हैं ये कलर जो हमको वायुमंडल में दिखता है, ये दिखता है, देखिए थोड़ी लालिमा जैसे, ना लाल पूरा ना
ये थोड़ा सा है कि नहीं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा लाल कलर। सर कितने गहराई में समझा दिया आपने, क्योंकि आपने तो इसका पूरा खेल समझा दिया कि यहाँ खेल है वेवलेंथ का, खेल है तरंग धैर्य का। समझ गया बच्चा जी? हाँ सर, अब तो लिख लो प्यारे वाला, अब लिख लो। और समझ के लिखना है तो टेंशन नहीं लेना है आपको। चलो इसको पढ़ के लिखते हैं। चलिए, हमने क्या पढ़ा कि सूर्योदय और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हॉरिजॉन्टल क्षितिज के नीचे, क्षितिज क्या होता है, बहुत करीब होता है, निकट होता है, और इसलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडलीय में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। वायुमंडल में उसको बहुत दूरी से आना पड़ता है, दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण इसके कारण अधिकांश, जैसे अधिकांश लाइट कौन कौन से, नीला और छोटी तरंग धैर्य वाले, नीला ब्लू बैंगनी, उधर क्या हुए दूर ही, पहले दूर ही बिखर गए, हमारे हमारे आँख तक आए ही नहीं, हमारे पास पहुँचे ही नहीं, दूर बिखर जाते हैं। और अधिकांश तरंग धैर्य यानी लाल, लाल रंग, सॉरी अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है। जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा है वही हमारे आँख तक पहुँच पाते हैं, बाकी लोग तो उधर पहले ही, हमारे आँख से पहले ही वायुमंडल में भी क्या होता है बच्चे जी, वो बिखर जाते हैं पहले। इसीलिए बच्चे जी देखिए हमारा ये लाल दिख रहा है, आपको दिखाया भी था, इस चित्र को बना लेना, थोड़ा सा दिखा दे लाली में, पेपर में जरूरत नहीं है, अपने समझने के लिए बना लेना चलेगा, हो गया। और नहीं तो अपने NCERT के डायग्राम भी देखो, ये रहा ठीक है, इसको बना लो तो भी चलेगा। अब इस पर क्या होता है बच्चा जी, आपके इस पर हो जाते हैं आपके टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाते हैं क्या। आपको एक तो हो गया, NCERT खत्म हो गया, लेकिन एक थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं कि एक्टिविटी दिया गया, बहुत प्यारा सा एक्टिविटी है, जिसको देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको थोड़ा क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को एक्टिविटी का हम समझा दे रहे हैं, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, एक्टिविटी को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको डायग्राम को हम समझा रहे हैं आपके लिए क्या है ये, और आपको इसका मैं चित्र भी दिखा दूंगा ओरिजिनल PDF में। और जो आपको दिखा ना कि हमको लाली क्यों हमारे आँख तक पहुँचता है, देखिए थोड़ा देखिए, ये माने सूर्य है, ये क्षितिज है। अब देखिए बच्चे, अगर सूर्य क्षितिज से ऊपर होता ना तो कोई टेंशन नहीं था, वायुमंडलीय में अपरतन सूर्य के उतना दूर नहीं आ पाता है, क्षितिज होना मतलब सूर्य बहुत दूर चला जाता है। अब सूर्य बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर था, क्षितिज यहाँ इसके नीचे चले जाएगी, अब यहाँ से लाइट आएंगे तो बच्चे देखिए ब्लू वाले सब तो इधर ही प्रकीर्णन का हो जाएगा, इधर फैल जाएंगे, कौन पहुँचेगा, तो ये लाल वाला और संतरा वाले और ऑरेंज वाले तीनों पहुँच पाएंगे, और तीनों का मिक्सर बनने पर थोड़ा हमको लाली में जैसे दिखने लगती है, ठीक है। चलो ये एक्टिविटी जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देखो इसमें है क्या, देखिए इसको यहाँ समझिए आपको, इसमें प्रकीर्णन, इसमें सबसे प्रकीर्णन दिखाने के लिए अच्छा क्यों है, ये है क्या, ये है कोलाइडल विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन परीक्षण करने के लिए एक प्रबंध, और ये चीज़ किसका है, इसमें एक सोल्यूशन बताया गया आपको, थोड़ा इसके मैं नाम पढ़ के बताता हूँ, देखिए या क्रियाकलाप जब पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा कि इसमें सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसको हाइपो लेते हैं, इसका बिलियन लेना है, इसका सोल्यूशन लेना है, और इसमें आपको करने हैं लाइट, श्वेत लाइट को भरना है। अब सफ़ेद रंग इसमें भरा जाएगा बच्चा जी, तो ये क्या होता है, आपको सिर्फ नीला ही रंग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने इस घोल के जो भी सोडियम थायोसल्फेट है उसके पार्टिकल्स ने क्या किया, उसके पार्टिकल्स ने अकेले से ब्लू रंग को रख लिया, सिर्फ ब्लू कलर वाले के पार्टिकल्स को रख दिए, बाकी को जाने दिया चले, छः के छः चले गए, बाकी इनको रख लिया, और उनको रखने के बाद क्या किया, फैला दिया, इसीलिए दिखने इस घोल में नीला दिखता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, उसके लिए प्रयोग करने के लिए सबसे बढ़िया ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हो, आपके पास ये मिल जाए सोडियम थायोसल्फाइड का विलयन, उसमें आप लाइट सफ़ेद लाइट प्रवाह करोगे तो इसमें विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला दिखेगा, और इधर जो बाकी दोनों पार हो गए तो इसको आप यहाँ देखो थोड़ा लाल लाल से आपको दिखेंगे, क्योंकि इनका लेंग लेमने ज़्यादा था तो ये इधर आ जाते हैं, ठीक है सर। ये एक्टिविटी था जिसको मैंने चित्र को समझा दिया, इसको लिखना नहीं था, सिर्फ समझ लेना था, पढ़ लेना था, अपने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर बच्ची फिर आपने क्या सीखा, इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें जितने भी टर्म है सारे सारे टर्म इसमें लिखे गए हैं, फिर से बता रहा हूँ ये जो बॉक्स में दिए गए हैं बच्चे जी आपको जरूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब पॉइंट्स, नहीं मैंने इसको नहीं कवर किया है, जरूर इसको आपको खुद से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं जो आपके पेपर के लिए क्या है उपयोगी हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए यहाँ से, देखिए चलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है
कि खतरे के संकेत का चिन्ह लाल रंग का ही क्यों होता है, दूसरे कलर का हम क्यों नहीं लेते, पीला और काला क्यों नहीं, क्योंकि बस 3 पॉइंट लिख देना कम हो गया। अब हम आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि अपने बहुत इसको विस्तार से पढ़ा दिया गया है, अब थोड़ा समझाता हूँ। साइन यहाँ पर लाल रंग तरंग ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है पहला प्रकरण। दूसरा कि लाल रंग का तरंग ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन यानी विचलन उसका डिविएशन कम होता है, विचलन मतलब डिविएशन कम होता है, उसका डिविएशन कम होता है, और डिविएशन कम होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे क्या होगा, कम होगा। इसके लिए हमारे आँख तक दूर तक आता है, गाड़ी दूर भी खड़ी होगी तो उसका लाइट हमारे आँख तक, मान लीजिए कोई लाल बत्ती जल रहा है, खतरा है, गाड़ी के पीछे का लाइट जल रहा है। ये सवाल क्या है, अंतरिक्ष यात्री को बच्ची आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? तो बच्ची मान लीजिए कि अंतरिक्ष यात्री है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये सब में यहाँ से रॉकेट ऊपर जाती है तो क्या होता है बच्ची, पहले तो पार्टिकल ज़्यादा थे उसके तो प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा था, फिर यहाँ पार्टिकल कम थे थोड़ा सा कम हुआ, फिर जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो पार्टिकल्स कम होते हैं, फिर आते हैं पार्टिकल्स कम हुआ, जैसे वो वैक्यूम में आता है तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है। और तुम्हें बताओ बच्चा जी, जिस जहाँ पर वातावरण में पार्टिकल्स कम होंगे वहाँ पर किरणन नहीं होगा, अब पर किरणन नहीं होता है तो रंग क्या दिखता है, काला दिखता है कि नहीं दिखता है? इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को उसको वायुमंडल का रंग बच्चा जी काला ही दिखता है। बस बस सर प्यारा हो गया, बहुत खूबसूरत। चलो कुछ एम सी क्यू प्रैक्टिस कर लिया जाए, ये दूसरा प्रश्न हो गया। चलो अब कुछ ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लो। सवाल पूछे जा रहा आपसे कि भाई अब खुद से कर रहे हैं, अब देखना बच्चे जी आपके पढ़ने के फायदे क्या होगा। दोपहर के समय सूर्योदय सफ़ेद दिखाई क्यों देता है, सुबह और शाम में क्या दिखाई, थोड़ा सा लालिमा जैसा, लेकिन दोपहर में सफ़ेद ही क्यों दिखता है, जल्दी करो। हो गया आंसर, हो गया ऑप्शन ने जिन बच्चों ने किया ठीक, क्योंकि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है, दोपहर में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके लिए। मैंने आंसर को ढक रखा कि मेरे पैर वाले कर पाते हैं कि नहीं पढ़ते कर पाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा पैर वाले जी, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के कारण होता है, किस वायुमंडल का, कि वायुमंडल में पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का फैलाव होता है, इसे तो भाई इंद्रधनुष बनता था, विभिन्न अपवर्तक सूचकांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है, तारों का टिमटिमाना कैसे होता है, तारे क्यों टिमटिमा रहे थे, आपने से पढ़ा था कि नहीं, अपवर्तन कारण, तारों का टिमटिमाना बच्चे प्रकीर्णन से नहीं अपवर्तन से होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो ये आगे खूबसूरत सवाल, चलो सवाल क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही दिखाई क्यों देता है, क्योंकि चार ऑप्शन पढ़िए, चार ऑप्शन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन भी लिख लिया, हाँ सर लिख लिया क्वेश्चन, अब चार ऑप्शन पढ़ के बताइए आंसर क्या होगा। तो जिन जिन प्यारे बालक ने सोचा था ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैगनी और नीली प्रकाश की वायुमंडल में अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में क्या होते हैं बच्ची, अधिक बिखर जाती हैं, अधिक उनका प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है सर, चल इसको कहना बच्चा जी चार नंबर का, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर अपने टावर देखा होगा, उसको देखना उसमें लाल रंग लगाता है क्यों, क्यों बच्चा जी, क्योंकि धुएं या कोहरे से अधिक बिखरता है, धुएं या कोहरों को द्वारा कम अवशोषित होता है, या धुएं या कोहरे से कम बिखरता है, या हवा में सबसे तेज बिखरता है। तो बच्चा जी धुएं या कोहरे में सबसे कम बिखरता है कौन, लाल रंग, इसके लिए हम इसको क्या रखेंगे बच्चा जी, लाल रंग उसको लगाते हैं। चार हो गया, कुछ कटा तो नहीं ना प्यारे बालक का, नहीं कटा सर, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। चलिए पाँच नंबर देखिए, चलिए पूछा निम्नलिखित में कौन सी घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद लाल दिखाई देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बटना, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, पृथ्वी से प्रकाश का परिवर्तन। तो अपने प्रकाश का प्रकीर्णन पड़ा था ना, इसके कारण बच्चे स्केलेट्रिंग से ही बच्चे जी आकाश का रंग हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग या वायुमंडल का रंग थोड़ा लाल सा दिख रहा था। श्वेत प्रकाश में उसके घटकों को, श्वेत प्रकाश क्या, उसके साथ सातों रंगों में बट जाना, अनेक उसके जितने घटक है उसमें टूट जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, कि डिस्पर्जन कहलाता है, कि टिंडल प्रभाव कहलाता है, जल्दी बताइए। छः का बिल्कुल सी जिसने बच्चे ने सोचा होगा बिल्कुल सही था। चलिए सात नंबर, समय से पहले और सूर्योदय के देर के बाद सूर्यास्त होने के कारण क्या, के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन कारण होता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले, सूर्य के बाद भी हमको सूर्य दिखते रहता है क्यों,
वायुमंडलीय परिवर्तन कारण, पूर्णांतिक परिवर्तन कारण, फैलाव कारण, परिवर्तन कारण, तो ये तो भाई भाई जी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण ऐसा होता है। चलो सात क्वेश्चन, ये रहा आठवां क्वेश्चन, ये आठ नंबर नंबर गलती में देते हैं, आठ नंबर लिखिए क्वेश्चन। चलिए बच्चा दूरदोष, बच्चा कि दूरदोष के सुधार में उपयोग में लिए जाने वाले लेंस का प्रकार कौन है? तो दूरदृष्टि में काम करते उर्दू, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस बच्चा? उत्तल लेंस, ठीक है। अब बच्चा जी मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, चैप्टर तो हो गए आपके फिनिश, तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार, थोड़े समय दीजिए। चलिए कुछ आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक नंबर सवाल हो गया, ठीक, दो नंबर कीजिए, तीन नंबर कीजिएगा, इसके आंसर भी दिखा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, जो बच्चे खुद से कर लें तो अब तुम मजे बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। तीन नंबर हो गया, ठीक, चार नंबर हो गया प्यारे वाले जी, हाँ सर, पांच नंबर, हाँ सर, छः सात आठ, छः नंबर, हाँ सर, सात नंबर, और ये रहे आठ नंबर, ये रहे प्यारे बालक जी आपके लिए नौ नंबर क्वेश्चन, और ये रहे दस नंबर। बहुत बार जो पूछा भी गया, करा भी दिया गया था, अब इन सब का आंसर मिला लीजिएगा, यहाँ पर दे रहे हैं, जो उसमें का छः सात आठ नौ दस था क्वेश्चन, उसका आंसर था पहले की एक का डी, दो तीन चार पाँच का आंसर इधर है, और छः सात आठ का आंसर इधर है, दस तक, ठीक था। हाँ सर, रुकिए एक मिनट और, अब देखिए ये बच्चा जी ये दूसरा डीपीपी है, तो इसके भी क्वेश्चन, इसके भी आंसर आपको शो कर दिए जाएंगे, पहले आप खुद से ट्राई करना, इसके क्या होगा बच्चे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन, नंबर आप जो भी डालिएगा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आपको दिखाया जाएगा, एक चाचा मैं इसका दिखाता हूँ, चलिए मैं ट्राई ले लेता हूँ, चलो बोलो इसका आंसर क्या हो, जल्दी लिखो नंबर, आप कुछ भी डालो। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभी उसकी वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ये सभी कथन सत्य हैं। चलो तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सुना था उनका बिल्कुल सही था, अभिनेत्र लेंस, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाने के कारण ये निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। चलो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? वाह कितना बार हो चुका है, निकट में अवनी को दीर्घ दिखे अवतल, क्या लगाइएगा? अवतल, ऑप्शन दो बिल्कुल सही है, ठीक है। वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्रपटल प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? कोई वस्तु हटा दिए तो हमारे आंख तक वो कितने देर तक रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है मेरे लिए, तो भाई जल्दी कीजिए, तीन का जल्दी कीजिए, तो 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तीन का सी, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? अभिनुक्ता, चार का जल्दी कीजिए, चार का जल्दी कीजिए, ओ सॉरी सर क्वेश्चन कट गया, चलो चार का जल्दी कीजिए। तो चार का जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया था बहुत अच्छे बालक थे, अपने अच्छे किए हैं, ठीक है। पाँच, दूरदृष्टि वाले आँखें साफ साफ देख सकते हैं, दूर को देखेंगे, दूर वाले दूर को देखेगा, दूर की, हाँ हाँ, दूरदृष्टि वाले जिनको दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उनका दूर का दिखता है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। पांच के आंसर कीजिए तो जल्दी से, हो गया कर लिया आपने, पढ़ा दिया गया था, लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। चलिए छः नंबर से, दूरदृष्टि दोष होने का कारण है, छः का आंसर कीजिए, तो छः का हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके लिए था, आपको करना था, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? उसकी फोकस दूरी एडजस्ट कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ का जल्दी करेगा, तो उसके सिलेरी मसल्स कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स यानी पक्षमावी पेशियाँ द्वारा।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना कौन सा दूरी का अधिक हो जाने से कौन सा दोष दृष्टि दोष होता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन घुमा के पूछा, फोकस दूरी अधिक हो गया तो कौन सा दृष्टि दोष हो गया, आठ कैंसर कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे जी, निकट दूरदृष्टि दोष, क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। नौ कीजिए, नौ का नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है आँख में, तो वास्तविक उल्टा छोटा, बिल्कुल सही है, नौ का सी हो जाएगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दोष कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो निकट का नहीं देख पाएगा उसको दूरदृष्टि दोष हो गया, यानी दूर में दिखेगा निकट नहीं दिखेगा। चलिए चलिए जल्दी करें बच्चा जी, सफ़ेद प्रकाश को उसके साथ घटकों में बढ़ जाने क्या कहता है, अभी अपने पढ़ता है इसको वर्ण विक्षेपण ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा जी, वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर विक्षेपण दिया है, प्रकीर्णन दिया है, परिवर्तन दिया है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक का आंसर बताइए। तो इसका विक्षेपण होगा, ठीक है बच्चा जी, प्रकीर्णन और विक्षेपण, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्केटरिंग बोलते हैं, डिस्पर्जन और स्केटरिंग, ठीक है सर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्यारे बात है, इसको दो कीजिए जल्दी से। प्रकाश के इसके रंगों में विखंडन होने के रूप में जाना जाता है, आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, तो दो का हो जाएगा डी, दो का हो जाएगा डी। तीन का देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, अपने घटक तिरंगों में सफ़ेद रोशनी का फटन फट जाना, यही है, तीन का भी डी हो जाएगा। चार का देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एक प्रकाश प्रिज्म के कोण 8 डिग्री के पतले प्रिज्म से होकर गुजर रही है, यदि विचलन कोण 2 डिग्री है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है, तो चार का सी हो जाएगा इसका आंसर, अभी सिर्फ थोड़ा बस इसको बना के देखना, सी आएगा। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछा नहीं है, आकाश किसके कारण नीला दिखता है, ये नीला होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है बिहार बोर्ड। तो पाँच का आंसर हो जाएगा बी, पाँच का हो जाएगा बी। जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से में प्रवेश करती है तो वह अपने घटक में रंग विभेद होती है, ये क्या कहलाता है, छः का बताइए, छः का हो जाएगा, क्योंकि विभेद होती है, इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है, तो क्योंकि विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए प्रकाश की गति अलग अलग होती है, तो डी हो जाएगा, बिल्कुल छः का डी हो जाएगा, छः का डी हो गया। चलिए सात देखिए, प्रिज्म द्वारा कौन सी किरण सबसे अधिक कम विचलित होती है, सबसे विचलन किसे कम होता है, सात का सी हो जाएगा, ठीक है। आठ कीजिए, जैसे प्रकाश प्रिज्म से अगर गुजरता है तो वह सात रंगों में विभक्त होता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं, प्रिज्म के निकलने के बाद प्रकाश की कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन, ये क्वेश्चन कितना घुमा घुमा पूछा जा रहा है, सबसे प्रकीर्णन कम किसका होता है, तो लाल, क्योंकि उसका विभिलन ज़्यादा होता है, नौ। जब सूर्य प्रकाश खुखले प्रिज्म से गुजरता है तो क्या कहलाता है, तो नौ का ही हो जाएगा, कोई फैलाव नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा। जब अपतन कोण प्रिज्म के प्रकाश से निकलने कोण बराबर हो तो इस प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण होती है, जब अपतन कोण से बोलते हैं बराबर तो क्या होगा, तो प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाएगी, ये हो जाएगा दस का, ये हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए, इसमें का एक का आंसर बताइए क्या होगा, ये सब बच्चे जो डीपीपी कराया जा रहा है, बच्चे ऑफलाइन वाले जानते हैं डीपीपी क्या होता है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तक अब लेक्चर मारने की इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ इस चैप्टर खत्म कीजिए, एक लेक्चर और लाएंगे तो जो भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करके ये चैप्टर फिनिश, समय का जब चैप्टर फिनिश हो ही गया है। एक कैंसर मिलिए, तो एक कैंसर हो जाएगा सी। दो बताइए, चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष शक्ति का कैसा रंग कैसे दिखाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काला काला काला। श्वेत रंग में कितने रंगों से बन के बना है भाई, तीन का बताइए डी, सात रंगों से। दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, देखने में पर सबसे तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होता है, तो बिल्कुल लाल का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, पाँच का हो जाएगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। छ, उस नेत्र के निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है जो कदम जो निकट के वस्तु को नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं, जो उसको दूरदृष्टि हो गया होगा, दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर का लगता है निकट का नहीं लगता, उल्टा नाम है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। सात का बताइए, चलिए सात एक कीजिए, पैर बल की सात एक कीजिए, चलिए सात का हो जाएगा आपका सी, टिंडल प्रभाव।
अभी बना पड़ा था, आठ का बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो प्रिज्म का, बिना प्रिज्म के स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा आपको। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन का झुकाव कम होता है? सबसे झुकाव किसे कम होगा? सबसे झुकाव कम लाल का होता है, ये कोई पूछने वाली बात है? चलो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों भाई? दस का बताइए, बी, ग्यारह का बताइए। ग्यारह क्या हो जाएगा? किस माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कहते किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहता है? तो कोलाइडल कहता है, सबसे कम इसका चलता है। इसके बारे में किसका होता है नीलम, क्या बोलते हैं, कोलाइडल हो गया, इसके बाद अपना नीलम होता है, अति बड़ा होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाने का प्रतीत होते हैं वैसे क्यों भाई? बारह का बताइए, तो बारह का ये हो जाएगा वही मंडलीय परिवर्तन कारण। तेरह का बताइए, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, तेरह का कश्ती हो जाएगा, लेकिन ये खुद से कीजिए आप। चौदह का बताइए, चौदह का कीजिए जल्दी से। चौदह का आपका समझ डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, वह इस डीपी का, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों? तो पंद्रह का आंसर हो जाएगा डी। अब बच्चा जी एक बार वन शॉट क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, मैं स्लाइड दे रहा हूँ, इसको रिवीजन कर लेने मेरे प्यारे वालों को। और सबके पास है ये वाला जो मैं अभी दिखा रहा हूँ एमसीक्यू वाला बुक, सबको खरीद के दे दिया गया है, सिर्फ मैं आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, विदाउट आंसर आपको प्रैक्टिस करने लेक्चर देखे कि आप कितने आंसर कर पाते हो। इसके लिए मैंने इसमें टिक आउट नहीं किया है। और इसमें यह भी लिख दिया गया बच्चा जी कि किसका कब का पेपर में सवाल पूछा गया है, ठीक है। चले बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत है नहीं। देखना कोई क्वेश्चन आपको टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ये एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिएगा, इसको आपको पढ़ाया गया है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया हूँ। एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, होगा तो करा दिया जाएगा, और जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको करा दिए जाएंगे अभ्यास वाले। ऐसे तो टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया गया, 99% ख़त्म है, 1% देख लेंगे क्वेश्चन आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेक्चर आएगा, समझिए चैप्टर का फिनिश है, उसके बाद हम नए लेक्चर में चले आएंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट जरूर कर देना। आपको कितने सवाल कितना पूछा है? वायुमंडल में कौन सा प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है? नीला का, इसीलिए नीला रंग दिखता है। 43 का बी हो जाएगा, 43 का बी दिया है। तो मैं बोलता हूँ ना, सारे क्वेश्चन आपके लिए मक्खन जैसे हो गए। अब बच्चा जी बायो के लिए रेडी रहिएगा, इसके बाद बायो का लेक्चर आने वाला है। और सर इतने लिखना है बच्चे? नहीं लिखो तो भी कहीं, आपके पास अगर एमसीक्यू वाला बुक है तो उसमें पढ़िएगा। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे शायद इसको ना लिए हैं, तो जरूर यहाँ से पढ़ लेंगे, उनके लिए काम हो जाएगा। चलिए तो बस बहुत बहुत आपका शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए। अब सिर्फ इतना होगा कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन कर दिया जाएगा अगले लेक्चर में। तब तक क्लेम दीजिए इजाज़त, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस लेक्चर देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। और मेहनत कीजिए जम के, जरूर हमको अच्छे करके दिखाना है। और माता पिता और गुरु के बाद आपको बुरे नहीं लगने चाहिए, जो भी आपको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसका पालन कीजिए, आपके फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। शुक्रिया।